हिस्ट्री एकेडमिक है, फूड क्रिटिक है, मैंने इतनी उन्होंने अपनी वो कर रखी है, अपनी जो उनकी स्पेशलिटीज हैं. सो ही इज एन एकेडमिक, फूड क्रिटिक, हिस्टोरियन, पब्लिक इंटेलेक्चुअल. ही राइट्स ऑन सब्जेक्ट्स ranging from international affairs to local cuisine to, you know, to amazing kind of thing. But I think the most, the something that is closest to his heart is food. And aapki jo India cookbook thi, shayad usko jis zamane mein chapi thi, it's about 10 years now, a decade. It was featured in the New York Times as one of the best books on food. And he's now working on a volume of Himalayan रेसिपीज, कंटेम्प्रेरी फूड्स. तो आज हमारी जब सुबह बात हो रही थी और विनीत भी वहाँ आया, और विनीत की एक स्पेशलिटी है कि वो उनका एक सोशल मीडिया, एक उनका एक कैरेक्टर उन्होंने डिवेलप किया है, जो खुद वो खुद ही है, लेकिन ये क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ पर्सन ऑनलाइन हु इज एक अपने बैचलर किचन का मालिक एक है, जो कि हमें रोज वो क्या बनाता है, क्या टिफिन पैक करता है. और इस विषय को लेके उन्होंने ओसाका यूनिवर्सिटी में भी शायद एक पेपर पढ़ा था. तो जब हम लोग साथ बैठे थे यहाँ ग्रीन रूम में, मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों बैचलर्स, दोनों खाने के शौकीन, दोनों खाना पकाने के शौकीन, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कम टूगेदर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन. वी हैव विनीत हियर हु इज इन हिज late 20s, early 30s, we have living legend. Mid-70s is on there. You know, there's somebody who's ageless. Pushpesh is an ageless, you know, he's one of those, we've always known him in our own family, and he's always been this person who's known about everything. So let's put them together and let's have this interesting conversation. Pushpesh Pant, Vineet Kumar, मैं शुरू में बात साफ कर दूं. नीता ने कहा कि दो बैचलर्स, मैं बैचलर नहीं हूं, वो बैचलर होंगे. ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं बैचलर हूं. मैं तलाकशुदा आदमी हूं, और मुझसे तलाक लेने के बाद मेरी बीवी ने दूसरा ब्याह किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई. तो चाहे तो प्रकारांतर से अगर आप हिंदू विवाह को जन्म जन्मांतर के लिए माने, तो मैं विडोअर भी हो सकता हूँ. मगर हम दोनों में जो समानता है कि हम दोनों सिंगल मेल हैं, और जो अकेला पुरुष होता है उसके लिए रसोई में क्या समस्या होती है, क्या संभावना होती है, वो अलग चीज है. आपने शायद संभावना की बड़ी पुरानी कविता का शीर्षक याद दिलाया, तो छप्पन भोग की संभावना पे हम लोग चर्चा करें तो बेहतर है. क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत पहले, जब तक मुझे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के छप्पन भोग का कोई अता पता नहीं था, मुहावरे में घर में लोग कहते थे कि आज खाने में बड़ा मजा आया, छप्पन भोग खिला दिए उसने. तो मतलब छप्पन भोग का अर्थ था कि जीवन सार्थक हो गया, आपने जो कुछ खाना था सब कुछ खा लिया. और ऐसे एक दूसरा मुहावरा था जो कहता था कि षडरस भोजन हो जाए आज तो किसी तरह से, छह भोजन हमको खाने को मिल जाए तो तृप्त हो जाए आदमी. अब बाद में जब मैंने विधिवत खाने के बारे में लिखना पढ़ना और मजबूरी में खाना पकाना शुरू किया, जो हम दोनों के बीच में समान सेतु है, तो आप घर में जब खाना पका रहे तो उसमें षडरस भोजन कैसे आएगा? क्या कभी आप किसी आदमी को अपने घर में अकेले अपने हाथ का बनाया खाना खिलाकर वो कहेंगे कहाँ भाभी जी कहाँ है, उन्होंने बड़ा अच्छा खाना बनाया था, आपकी मैं तो यहाँ भाभी जी है, नया कोई बहू जी है, नया कोई सास जी है, या हम ही सब कुछ है, हम ही जोगी अकेला है और हम ही गुरु और हम ही चेला है, तो हम खाना पका के आपको खिला रहे, खुश रहिए, हम रोज ये खाते हैं, अभी षडरस है तो अच्छा है, छप्पन भोग है तो अच्छा है, वरना आपको खाने में ना आज भूखा मरना पड़ेगा. तो ऐसी नौबत कम आती है, आप कोशिश करते हैं कि खाना अच्छा बनता है. मैं बहुत संक्षेप में आपसे दो चीजों का साझा करना चाहता हूँ, 20-25 मिनट की हमारी बातचीत होगी. कुंभ मेले का मौका था, एक नागा बाबा बैठे थे और हंडिया में कुछ उल्टा सीधा डाल रहे थे. मैंने उनसे पूछा बाबा जी क्या कर रहे हैं, तो बाबा जी जो नागा बाबा थे उन्होंने गांजे की चरस की लौ लगाई हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था बेटा षडरस भोजन खाना है तो बैठ जाए यहाँ पे. मेरी हिम्मत थोड़ी मुश्किल से पड़ी, बिकॉज कुंभ का माहौल था, गंदा खाना था. मगर आप यकीन मानिए, मैंने उस षडरस खाने के बारे में एक नई दृष्टि उस नागा बाबा से पाई. उन्होंने हंडिया में सब कुछ डाला, तेल नहीं डाला, नमक नहीं डाला, मगर बाकी सब चीज़ें डाली. मैं धैर्य से बैठा रहा, मेरी जेब में इंटेस्टाइन की गोलियां थी, मैंने दो गोलियां पहले खाई, दो गोलियां खाने के बाद खाई कि टाइफॉइड हैजे से न मरूं. मगर बाबा जी ने जो खाना खिलाया वो षडरस भोजन था. षडरस भोजन ऐसे था, उसमें नमकीन था, मीठा था, कसैला था, कड़वा था, तीखा था,
सब कुछ था, खट्टा भी था, और वो सारा प्रताप ये था कि जो जो चीजें उसमें उन्होंने डाली थी, किसी ने तेल चुराया था बीज से, किसी ने कसैलापन दिया था, किसी ने पालक से नमक आया था, कहीं पक्के फल की मिठास थी। पहली बार मुझे सोचने को ये बात किया गया कि षड्रस भोजन खाने के लिए छह अलग अलग कटोरियों में छह अलग अलग रस होना जरूरी नहीं है। आप चाहे सब कुछ को एक जगह मिला सकते हैं और आपकी जुबान में अलग अलग वो रस अलग अलग मौके पर आते हैं। पता नहीं बाबा जी कहाँ गए, उसके बाद वो झोला झंडा लेके चिपटा लेके गए धुनी रमा ने, हम अपने रास्ते चले। ऐसे छप्पन भोग के बारे में ये हुआ कि जब एक प्रकाशक मित्र मेरी है नियोगी प्रकाशन में, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए टेम्पल फूड पर कोई नहीं कुछ लिखते। तो मैंने कहा देखिए टेम्पल फूड क्या होता है, तो बड़ा अंग्रेजी का मुहावरा है। तो तब मुझे दिमाग में कौंधा बिजली की तरह कि छप्पन भोग जगन्नाथ मंदिर के होते हैं, उन पर से बात शुरू करें। तो उन्होंने कहा छप्पन भोग पूरी के तो आप गिना देंगे, बाकी क्या होगा। तो फिर विधिवत सोचना पड़ा कि छप्पन भोग का मूल क्या है। तो प्रणय रॉय और राधिका रॉय के बहुत पहले वो 7/12/7/24 जो था वो छप्पन भोग था कि आठ प्रहर होते हैं दिन में, और आठ प्रहर में आठ बार भोग लगता है, और हफ्ते में सात दिन होते हैं, तो सात अट्ठा छप्पन, छप्पन भोग व्यंजनों का प्रकार होता है भोग का। तो हमने सोचा उसको भोग ही, और मगर भोग के पहले क्या होता है, कोई आदमी खाना पकाकर नैवेद्य देता है, जब ईश्वर उसे स्वीकार करता है भोग कर लेता है तब वो प्रसाद बनता है। तो नैवेद्य भोग प्रसाद तीन सोपान है, और ये जो छप्पन भोग हैं, अभी यहाँ चर्चा हो रहा था, वो सिर्फ छप्पन नहीं है, छप्पन तो वो व्यंजन है जो भगवान को समर्पित होंगे नैवेद्य के रूप में, मगर ऋतुएं छह हैं दो दो महीने की, और हर ऋतु के अनुसार खाना बदलेगा। तो छप्पन को आप छह से गुणा कर दीजिए तो ऋतुओं की परिचर्या हो गई, मगर बीच में पर्व पड़ेंगे उसमें विशेष नैवेद्य होगा, और जगन्नाथ मंदिर का तो विधान बड़ा न्यारा है, कभी भक्तों का प्रसाद खाते खाते प्रभु का पेट खराब हो जाता है तो फिर वो यात्रा पर निकलते हैं और परवल का जूस पीते हैं, फिर कभी वो, फिर छप्पन भोग सिर्फ जगन्नाथ की परंपरा में नहीं है, जहाँ जहाँ कृष्ण के मंदिर हैं छप्पन भोग भिन्न है, जो पुष्टि मारी वल्लभाचार्य के वृंदावन में बाकी बिहारी के हैं, गोविंद जी के हैं, श्री नाथ जी के मंदिर में नाथद्वारा में है, और फिर श्री रंगनाथ स्वामी के टेम्पल में जो छप्पन भोग है वो बिल्कुल फर्क है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो जो आम आदमी खाता है वहाँ रसम भी है, सांभार भी है, पूरी होरा भी है, वहाँ का खाना है, और यहाँ अगर आप गणना करें तो यहाँ तो जगन्नाथ मंदिर के छप्पन भोग की संख्या हजारों में पहुंचेगी। कभी हम चर्चा कर रहे थे कि छप्पन तो गिनने के हैं, वो छह रस 36 घंटों में जितनी बार आपको मिलते हैं, तो मुझे मगर आदमी के मन में ये बना रहता है कि आखिर सार क्या है उसका। तो यदि आप देखें तो यहाँ उड़ीसा के संदर्भ में जो मुझे सबसे आकर्षक बात लगती है कि ग्रोसम साहब के नाम के डिप्टी कलेक्टर थे, जिन्होंने 1805 की गजेटियर में उल्लेख किया है, यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ काला पहाड़ का आक्रमण हुआ, मान मर्दन करने की कोशिश उसने विग्रह की थी, मगर बार बार वो खाना जैसा था वैसा ही सुरक्षित रहा। उड़ीसा वालों ने अपने छप्पन भोग का GI इंडिकेटर मांगने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसको पेटेंट कराने की कोशिश नहीं की तिरुपति के लड्डू की तरह, और वो खाना मशीन से बनकर कभी नहीं मिलता है। महासुपकार है वो, नाक पर कपड़ा बांध के करते हैं, तड़का चौंक नहीं लगाती, अगर खाने की गंध नाक में चली जाएगी तो खाना जूठा हो जाएगा। तो एक तरह से अक्षत परंपरा हजार वर्ष से पारंपरिक भोजन की जो चल रही है स्थानीय खाने को लेकर, और हम और कहीं जाएं तो टमाटर मिल जाएगा, आलू मिल जाएगा, मिर्च मिल जाएगी, मगर यहाँ के जगन्नाथ मंदिर के भोग में आपको कोलंबियन एक्सचेंज से खान पान के इतिहासकार करते हैं, न टमाटर मिलेगा, न मिर्ची मिलेगी, न आलू मिलेगा, न कॉर्न मिलेगा, और उसके अलावा भी जो सात्विक है वो लहसुन प्याज तो नहीं ही मिलेगा, मगर उसमें जो परहेज का एंगल है उसने उस खाने, आप कल्पना कर सकते हैं कि हजार साल पहले खाना यहाँ कैसा खाया जाता होगा। तो मुझे लगता है कि जब आप यहाँ आते हैं, बिल्कुल सहयोग था, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसमें किन चीजों का अपने, अभी आप अच्छा सौभाग्य है कि आप शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं, कि यहाँ आने के एक दिन पहले दिल्ली में एक मित्र मिली जिन्होंने मुझे हविष्य की दालना खिलाया जिसमें हल्दी नहीं पड़ती है, तड़के लज्जा की तरह रंग नहीं होता, चार तीन दिन पहले का हविष्य का खाना होता है, और जीरे की तरकारी पर मैंने खिलाई। तो वो महिला बड़ी विचित्र है, उनकी माता सिंधी है, पिता पंजाबी है, पति मिश्रा भुवनेश्वर की है। तो मुझे लगा कि ये जो हम सवेरे चर्चा एक दूसरे सत्र में कर रहे थे कि भारतीयता की पहचान हमारे उस खाने को लेकर है
जिसकी परंपरा मंदिरों के खाने से जुड़ी है, पर्व के खाने से जुड़ी है, शादी के खाने से जुड़ी है, और जो हमको घुमा फिरा कर ले जाती है उस अनुवाद की भाषा में, जहाँ वो कहता है कठोपनिषद में, न च वित्ते न तर्पण यो मनुष्य, मनुष्य का तर्पण पिंड दान से ही होता है, अन्न ही ब्रह्म है और अन्न ही रस है। तो उस कल्पना को साकार करने वाला छप्पन भोग यहाँ का है, तो वो तो मेरे ख्याल में जितनी माया जगन्नाथ की है उतनी अनंत है, मैं तो क्या तलाशता ही रहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने अपने खाने पीने में छप्पन भोग और छठ रस का प्रयोग किया है वो क्या है? पुष्पेंद्र जी, आपने बातचीत में की शुरुआत में बड़ी दिलचस्प बात ये कही कि छप्पन भोग जब हम कहते हैं तो एक एक तरह का मेटाफर भी है, वो रूपक भी है। एक तो पूरी परंपरा है जो हजार साल की जगन्नाथ मंदिर और पूरे एक रिचुअल के साथ उसको शामिल करते हैं, लेकिन आपकी बातचीत ये और जो नागा साधुओं के भोज्य पदार्थ के बारे में बात की कि दरअसल छप्पन भोग का मतलब है कि आपको रस मिले, आस्वाद जिसे हम कहते हैं। और हम जैसे लोग, हमारे जैसे हजारों सैकड़ों लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के हॉस्टल में रहकर आए, और एक समय के बाद वो हॉस्टल हमें इतना उबाऊ लगता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो खाना कुछ भी बनाते हैं उसमें पहली चीज होती है कि पनीर मुक्त खाना होना चाहिए। हम पूरा पूरा कैंपेन चलाते हैं। हाँ, माँ की दाल बहन की चाल छूट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली आया था और जब लोगों ने अपने खाने में ऑर्डर किया कि माँ की दाल, तो मुझे लगा कि कितने बेशर्म लोग हैं, एकदम पब्लिकली मैंने लोगों को तो गाली देते हैं, ये खाने को भी नहीं बख्श रहे। बाद में पता चला ये माँ की दाल का मतलब कोई गाली नहीं होती है, खास किस्म की दाल होती है। तो हॉस्टल में रहते हुए, DU JNU के हॉस्टल में रहते हुए, कई खाने की चीजों से आप बुरी तरह ऊब जाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उसके बाद आप 1 BHK 2 BHK कमरे में या फ्लैट में रहते हैं, और मैंने इसी कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल में एक चीज कहा था कि ये सब करते हुए आप लो बजट के प्यार में भी होते हैं, मतलब आप एक ऐसे प्यार में होते हैं जिसका बजट बहुत कम हो, 150 रुपए के अंदर आप इंप्रेस कर सकें किसी को। उसमें जो खाना बनता है, जिसको हमने बैचलर्स किचन का नाम दिया है, उसमें जो छप्पन भोग की हम बात कर रहे हैं, वो एक पहला कंसर्न होता है कि वो हॉस्टल जैसा उबाऊ ना हो, क्योंकि जब हम हॉस्टल में रहते थे तो 200-300 रुपया ऑटो दे करके हम किसी के यहाँ खाने मुनीर का चले जाते थे। मैं हिंदू कॉलेज में था और मैं किसी के यहाँ खाने मुनीर का चला जाता था और काफी पैसे खर्च होते थे। तो जो एक उबाऊपन है, जो मोनोटोनस है, वो चीज हट जाए। और दूसरी चीज ये है कि एक फूड फॉर सर्वाइवल है और फूड फॉर प्लेजर, ये दो चीजें सिंगल बैचलर्स के लिए बहुत मायने रखती है, यानी कि हमारा पेट भरे, हमें संतुष्टि हो, तृप्ति हो। और ये संतुष्टि जब और नाम आमतौर पर नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो दाल भात चोखा, दाल भात आलू की भुजिया के साथ उनका काम हो जाता है, नॉस्टैल्जिया में माँ और भाभी के यहाँ से आए हुए अचार से अपना काम चला लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि फूड फॉर प्लेजर, जिसमें कि आपको मजा आ जाए। मजा आने का मतलब है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो मटन और चावल दो काम से उनका वो आस्वाद मिल जाता है जो छप्पन भोग से मिलता है। और तीसरी चीज जो आपने बहुत पारंपरिक तरीके से क्रम में बताया कि प्याज और लहसुन ये नहीं है, यहाँ क्रम उलट जाता है। यहाँ खाने को टेस्टी बनाने का मतलब है कि कुछ हो चाहे ना, वो प्याज लहसुन एकदम जरूरी चीज है, बिना उसके आप बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम आकर सोचते हैं और छप्पन भोग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो न केवल वो अलग हो जाता है बल्कि वो पूरी बाइनरी रच देता है। मैंने आपने शब्द तो लिए हैं उसी एक ट्रेडिशनल जिसको पारंपरिक यात्रा से, लेकिन उसका भाव बदल जाता है। अब मैं यहाँ कर एक चीज से शामिल करूं, फिर आपकी बात आगे आप बढ़ाएंगे कि यहाँ पर आकर जब कोई बैचलर सिंगल कहता है छप्पन भोग जैसा मजा आ गया, मैंने छप्पन भोग का स्वाद कभी नहीं लिया। दिल्ली में एक रेस्तरां है छप्पन भोग नाम से ही है और काफी पॉपुलर है, और दिल्ली में कोने में मिठाइयों की दुकान का एक अलग ही ग्रामेटोलॉजी है, मैं नहीं जानता अग्रवाल स्वीट्स और छप्पन भोग कोने में थे। लेकिन हमने ऑप्ट वहां से, या तमाम लोगों ने ऑप्ट ये किया है कि ऐसा खाना जिससे आप तृप्त हो जाए और जिसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रही होगी। तो हम सब रूपकों से तो जरूर गुजरे हैं, मेटाफर से तो जरूर गुजरे हैं। हम लोग जब छोटे थे और कुछ ढंग हमारे मन की चीज नहीं होती थी, हमारे मन की चीज का मतलब नूडल्स चाहिए, हमारे मन की चीज है कि हमारे ढंग की वो चीज चाहिए, तो मेरी माँ कहती थी, कोई पूछता था कि तुमने खाना खाया, तो मेरी माँ कहती थी नहीं ये खाना नहीं खाया, इसको छप्पन भोग चाहिए। तो छप्पन भोग का मतलब वहां चिप्स होता था, छप्पन भोग का मतलब वहां नूडल्स होता था, मतलब हर वो खाने वाली चीज जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो, इच्छा के अनुकूल हो और आपको उसमें आस्वाद या मजा आए, ये छप्पन भोग है।
अंतिम बात इसमें पुष्पेश जी ये मैं डालना चाहता हूँ कि जितनी बारीकी से आपने टेम्पल फूड या जो एक पूरे परंपरागत खाने की बात की, मुझे लगता है इस पर बहुत रिसर्च करने की जरूरत है कि अलग अलग बैचलर्स, अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग सर्किट से आए हुए लोग किस खाने को छप्पन भोग कंसिडर करते हैं। मतलब ये कि अगर कोई बंगाल का है तो उसके लिए चावल और कोई मछली जो बहुत पॉपुलर है उनके लिए वो छप्पन भोग का काम कर जाएगा। उसी तरह से दाल मखनी और या राजमा चावल पंजाब से आए हुए लोगों के लिए छोले भटूरे काम कर जाएगा। या फिर जो मंडे टू फ्राइडे डाइट पर हैं और संडे को उसको डाइटिशियन ने कह दिया है कि कुछ भी खा सकते हो, एक दिन तो चलेगा, फिर नींबू पानी शहद से आप अपना डिटॉक्स कर लेना और अपना गिल्ट कम कर लेना, तो उसके लिए हो सकता है संडे का दिन छोले भटूरे दे वो छप्पन भोग है। तो मुझे लगता है कि पूरी बातचीत में दो चीजें मैंने इस पर काम करने की जरूरत है। एक तो छप्पन भोग ट्रेडिशनली कैसे आया और कैसे वो सस्टेन कराया बन किया हुआ है बना हुआ है, और दूसरा छप्पन भोग अलग अलग कम्युनिटी और सर्किट के लोग किस खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, मुझे लगता है इन दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। जो मंदिर का खाना है और छप्पन भोग है वो आदमी हजारों साल से कम सदियों से अपने आराध्य को वही अर्पित कर रहा है जो खुद खाता था। मगर आप अमृतसर के लंगर में जाएं तो वहाँ जो प्रसाद साहब है वो प्रसाद है और कड़ा प्रसाद है और दाग है वही है, वो भोग नहीं लगता। वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने सिर्फ कड़ा प्रसाद कटता है तलवार से कृपाण से, वरना आप रोटी सब्जी दाल खाते हैं। इसका मतलब दिल्ली वाले बहुत लिबरल हो चुके हैं, क्योंकि मैं वैष्णो देवी का जो मंदिर सॉरी जो झंडे वाला का मंदिर है वहाँ वो कुरकुरे भी चढ़ा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो प्रसाद में कुरकुरे भी चढ़ा देते हैं और ब्रिटानिया टाइगर भी चढ़ा देते हैं। जाती रही भावना जैसी हाँ, वो तो ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं भैरव मंदिर में उपासना कर रहा हूँ तो भले एक बट्टा तीन शराब की बोतल वापस लौट के मगर वो प्रसाद के ऊपर पूरी बोतल चढ़ा देते हैं ताकि एक बट्टा तीन तो पीने को मिले कम से कम, और वही बकरा भी चला जाता है वही मुर्गा भी चला जाता है। तो मुझे लगता है कि देखिए आदमी मंदिर में भोग वही चढ़ाता था, नैवेद्य उसी का देता था जो खुद खाता था उसकी सुविधा की, तब पैकेट बंद कुरकुरे नहीं थे, तब पैकेट बंद चिप्स नहीं। मगर जो आपने दूसरी टिप्पणी की है वो मुझे ज्यादा विचारोत्तेजक लगती है कि एस्पिरेशनल फूड होता है जो आपको घर में रोज खाने को नहीं मिलता, आपने कभी किसी को खाते देखा होता है या कभी कभार चखा होता है, वो खाने का आपका मन करता है। अगर अब आप देखें तो ताज विवंता का होटल जो गुड़गांव में है वो इडली कुरकुरे की चाट बेच रहा है। इडली की चाट तो नहीं होती मगर चूंकि पंजाबी ग्राहक को दिल्ली के ग्राहक को जो जुबान का चस्का चढ़ा है वो बिना चाट के है नहीं, तो दही पापड़ी चाट के बदले आप उसको चिप्स भी डाल दीजिए कुरकुरे भी डाल दीजिए। दिल्ली में से पहले मुझे पता नहीं था कि इस देश में पनीर मोमो जैसी भी कोई चीज होती है, और तब मुझे समझ में आया कि दिल्ली पनीर के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकता सरकार से। हम और आप हैं जो पनीर कान नाक से निकल जाता है और खाना नहीं चाहते। दाल की बात आपने की मुझे वो भी बड़ा विचित्र लगता है कि अगर आप दिल्ली में कहीं खाएं तो आपसे अगर काली दाल से आपकी जान छूटेगी तो आदमी आपसे कहे येलो दाल, तो मुझे आज तक येलो दाल समझ में नहीं आया कि पीली दाल अरहर की है, धुली मूंग की है, धुली उड़द की है, मलका मसूर की है, इन सबका मिला जुला है, चना है, गला चना है, मगर ये कुल मिलाकर जो पीली दाल का खेल है या फिर दाल फ्राई या दाल तड़का है वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि तड़का किस चीज का है। वो तड़का लौंग का है, जीरे का है, मिट्टी के दिए का है, मिर्च का है, इलायची का है, आखिर है क्या? पहाड़ी का है तो जम्बू का है, वो जखीरे का है, वो दाल कुल्थी की दाल किसी को याद ही नहीं आती है। तब याद आती है जब गुरुदेव जी की पथरी लाइलाज हो जाती है और ऑपरेशन से डरता है और कोई नीम हकीम बताता है कुल्थी की दाल बड़े गर्म होती है, जहाँ उगता है वहाँ पत्थर फूट जाएगा तो हमारी पथरी फूट जाएगी। तो मुझे ये सारी चीजें बड़ी अटपटी और विचित्र लगती है। तो मुझे लगता है कि जो रस है, आपने तीसरी बार बड़ी मजे की थी ये आज खाना नहीं खाएगा क्योंकि छप्पन भोग खाएगा, क्योंकि छहों रस किसी को पसंद हो जरूरी नहीं है। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, वो मेरे ख्याल में हाउस होल्डर है जिसमें मधुर जाती एक महिला से उनका मुकाबला है जिनकी रकीबा है, तो वो कहते जब चीनी डालती है कुश्ती है शुगर नहीं दी, वो कहते मुझे शुगर की जरूरत नहीं, मेरा सौ बड़ा मीठा है उसको जलाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों की जुबान पे मीठा अच्छा लगता है, उसको तीखा अच्छा लगता है, कड़वा खाने वाले कम होते हैं पर कड़वे के अभाव में, वो पुराना मुहावरा कि ज्यादा गुड़ डालोगे तो कड़वा हो जाएगा, और कड़वे के अभाव में मिठास और तीखापन आपको समझ में नहीं आएगा। वो तीखापन मिर्ची का हो सकता है, कसालापन कत्थे का हो सकता है, वो हो सकता है कि इलायची का हो, वो हो सकता है सौंठ का हो। तो हम अपने रसों से भी अपरिचित हो गए हैं और किस रस के संग क्या गुण दोष आयुर्वेद का भी हम भूलते जा रहे हैं। तो आपकी जो तीनों बातें हैं वो मुझे लगता है कि आप जैसा अकेला व्यक्ति या मुझ जैसा अकेला व्यक्ति समझ सकता है कि मुझको ये पसंद था मगर घर में परिवार के अन्य सदस्यों के कारण
ये सबके लिए नहीं बन सकता था। और एक बड़ी दिलचस्प चीज ये होती है कि अब जो खाना जो बना रहे हैं लोग उसमें शोकेसिंग बहुत ज्यादा है, मतलब हम एंड फूड कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमें एट द सेम टाइम इंस्टा और फेसबुक पर भी अपलोड करना है, तो कई बार आप जिस चीज को टेस्ट करेंगे बहुत बेकार होगा, लेकिन चूंकि उस पर 400 लाइक्स आ गए हैं तो वो एकदम सर्टिफाइड हो गई है चीज। तो इसमें मैं आपकी बात से ये चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो छप्पन भोग ट्रेडिशनली या जो सही अर्थों में है उसमें एक शब्द है सात्विक, जो प्याज लहसुन और बाकी तमाम चीजें यहाँ की मिर्च नहीं डाल सकते, आलू नहीं डाल सकते। आप क्षमा करेंगे, हम लोग अक्सर सात्विक शब्द का अर्थ प्याज लहसुन के अलावा समझते हैं। मगर जो हम लहसुन अलग करते हैं हाँ। मगर उसके जो सल्फरस नोट्स होते हैं उसके लिए हम मारवाड़ी वेस्ट खाने में हींग डाल देते हैं। कुल मिलाकर तो आपने सल्फर के नोट्स अपने खाने में शामिल डाल ही दिया। आपने लाल मिर्च कोलंबियन एक्सचेंज में अलग कर दी, काली मिर्च और फीकी आपने डाल दी। तो मुझे लगता है सात्विक का अर्थ सीधा साधा खाना नहीं है, सात्विक का अर्थ था एसेंशियल, जो खाने का सत्व है वो आपको मिलना चाहिए और आकर्षक। अब देखिए कि अब जो मुहावरे की तरह हम छप्पन भोग इस्तेमाल करते हैं उसकी बिल्कुल बाइनरी बदल जाती है, उसकी बाइनरी इस तरह से उलट जाती है कि जब अब हम छप्पन भोग कहते हैं तो वो बिल्कुल हमारे टेस्ट बर्ड पे आके फिक्स हो जाता है कि मैंने जो हमें रुचिकर लग रहा है वो पिज्जा भी किसी के लिए छप्पन भोग हो सकता है, जो हम टॉपिंग कर रहे हैं ऊपर से गार्निशिंग कर रहे हैं उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या चीजें उसमें शामिल कर रहे हैं, बावजूद उसमें वो मुहावरे में बन रहा है। तो मुझे लगता है पुष्पेश जी आपने ठीक बात कही और बहुत इस पर और भी चीजें की जा सकती है, लेकिन सिर्फ ये चीज ये है कि छप्पन भोग इन प्लुरल सेंस, बहुवचन में छप्पन भोग, अब सिर्फ धार्मिक स्तर पर या पुरानी उस यात्रा को लेके नहीं बल्कि प्लुरलिटी में अगर बात होती हो तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने छप्पन भोग, उसी तरह जैसे अपने अपने राम सबके है या राम होने की बात की जा रही है। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू पुष्पेश जी, और आपने इतने खाने के बारे में इतनी सारी बातें कर ली और मैं लंच के लिए भी वेट कर रही हूँ तब से, इतनी अच्छी अच्छी खाने के बारे में आप, मैं जान रही हूँ आप भी वेट कर रहे हैं उसी चीज के लिए, तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट प्राची नायक द को फाउंडर ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल टू काइंडली कम अप ऑन द डायस एंड फेलिसिटेट आवर गेस्ट।